विशेष करके इसी जगत में जब कोई एक वैष्णव इसी जगत में आते हैं, कितना ठाकुर वैष्णव पद अवर सुपद सुनो भाई हरिया एक मान। इसलिए वास्तव रूप में पृथ्वी का संपत्ति क्या है, कहते वैष्णव लोग। इसलिए जब हरिदास ठाकुर जी ये संसार छोड़ करके जाने के लिए चाह रहे हैं, संसार छोड़ कर चले गए, महाप्रभु कहते हैं हरिदास चिलो पृथ्वी शिरोमणि ताहा बिना रत्न शून्य हैला मेदिनी। कहते हरिदास ठाकुर कौन थे, बोले पृथ्वी का सर मोल थे, शिरोमणि थे। जब श्री हरिदास ठाकुर चले गए, मानो ये पृथ्वी ये रत्न शून्य, ये पृथ्वी रत्न शून्य हो गया है। इसलिए जब इसी जगत में एक वैष्णव इसी जगत में आते हैं, इसलिए कहते जब ये हाथ उठा करके कृष्ण प्रेम में जब नृत्य करते हैं, कहते स्वर्ग का सारे अमंगल दूर हो जाता है। जब अपना प्रेमयी दृष्टि से जब दर्शन करते हैं, जितने दूर तक उनको दृष्टि जाए उतना दूर तक जितने दुख कष्ट सब के सब खत्म हो जाता है। कहते उनका चरण स्पर्श जब ये पृथ्वी प्राप्त करती है, वो पृथ्वी अपने आप का अपना जीवन को धन्याति धन्य मानती है एक वैष्णव का चरण का स्पर्श पाकर। इसलिए आज एक एक वैष्णव नहीं, आज तीनों तीनों वैष्णव का श्रील भक्तिवेदास श्रील वामन गोस्वामी महाराज का आज आविर्भाव तिथि है। इसलिए महाराज कहते हैं ना, जो माँ महीना है बड़ा पवित्र महीना है, इसलिए आज इनकी तिरुभाव तिथि है। इसलिए महाराज कहते थे कि जो महीना है बड़ा पवित्र महीना है, क्योंकि इसी महीना में एक तो दाम बंधन हुई है, दाम बंधन, और इसी महीना में कृष्ण मक्खन चोरी की, भैया ने उनको उखल में बांध दी, इसी महीना में शारदीय रास भी है, इसी महीना में कंस को भी मारे, इसी महीना में प्राय करके वैष्णवों का आविर्भाव और तिरुभाव इसी महीना में प्राय करके, कल भी मेरे गुरु जी का आविर्भाव तिथि है, और आज एक एक वैष्णव नहीं, आज तीन तीन वैष्णव का तिथि है। भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज का तिरुभाव, श्री भक्तिवेदांत श्री स्वामी महाराज का आज तिरुभाव तिरुभाव, और भक्तिवेदांत श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज का आविर्भाव, आज तीनों तिनो वैष्णव का आज तिथि है। इसलिए हम कोशिश करेंगे तीनों का तिरुभाव है, बोले तिरुभाव महोत्सव की जय। इसलिए तीनों का आज ये माला को रख लो, जो दूसरे वैष्णव आए ना, हरे कृष्ण। आज हम लोग ये तीनों तीनों वैष्णव का विषय में आज थोड़ी थोड़ी इनकी गुण महिमा को आज हम लोग श्रवण करेंगे। कहते हमारे श्री भक्तिवेदास श्रील वामन गोस्वामी महाराज हैं, कहते ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से मैंने हरिनाम को इन्होंने प्राप्त किया है, और ये मुझे लगता है प्रभुपाद का गण में शायद ये सबसे कम उम्र में ये आए हैं, और इनका जो जन्म है ये पूर्व बंगाल में इनका जन्म हुई है। क्योंकि जो पूर्व बंगाल है वो साधारण स्थान नहीं है, जिस समय श्री महाप्रभु श्री पद्मा नदी वहां पर एक नदी है, तब उनको बोले देखो पद्मा तेरे पास में मैं अपना प्रेम कर रख करके जा रहा हूँ, भविष्य में यहाँ पर एक बहुत बड़े वैष्णव आएंगे, जब आएंगे ये प्रेम उनको प्रदान करना, बोले मुझे पता कहीं चलेगा वो वैष्णव है, बोले उनका चरण स्पर्श होते ही अपनी आप तुम्हारी जो पानी उफरने लग जाए, तब पता चलेगा ये वही वैष्णव है। कहते ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी थे। कहते वहां पर लोग भक्त लोग कहते हैं जब उनकी चरण स्पर्श हुई, जिस समय ये पद्मा नदी उफरने लगी उसी समय एक हवा की झोंक आई, वो हवा की झोंक में वो जिधर वो चली गई हवा की झोंक, अक्सर करके प्रभुपाद का जितने गण हुए हैं वो उसी तरफ से ही आए, सबके सब उसी तरफ से आए, मेरे गुरुदेव भी उस तरफ से, भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज भी हाँ, और हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज प्राय करके, भक्ति वेदांत बावन गोस्वामी महाराज करी करी उसी तरफ से सबके सब महापुरुष सब आए, और ये जो महापुरुष इनका जो पिता माता कहते श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी के उन्होंने आश्रित थे,
इसलिए कोई व्यक्ति तो जन्म लेने का बाद भजन करते हैं, बड़े होने का बाद, ये तो जन्म से ही, जन्म से पहले से ही भजन कर रहे थे। बोले क्योंकि जब ये माँ की पेट में रहते थे, जब उसकी मैया हरि कथा सुनती थी, जैसे प्रह्लाद महाराज पेट में रहते रहते नारद जी कथा सुनी, ये महापुरुष पेट में रहते रहते उन्होंने ठाकुर जी कथा सुनी। जब माता जी प्रसाद पाती हैं, वो प्रसाद भी गर्भ में बैठी बैठी के भी प्रसाद पाते थे। मैया जब मंदिर परिक्रमा करती थी, तुलसी परिक्रमा करती थी, ये भी माँ की पेट में थे, उनका भी परिक्रमा हो रहा था। हैं, जब वो ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, पेट में बच्चा है, कहते ये तो जन्म से ही, जन्म से पहले से ही वो भगवान की भक्ति कर रहे थे। और जो जन्म हुए हैं, ब्रह्मा कहते बोले प्रभु कीट जन्म हो प्रभु यथा दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आस। इसलिए भक्त घर में जन्म होना बड़े भाग्य की बात है, जो गर्भ से ही और जन्म होते ही पिता माता प्रभुपाद का आश्रित है, वो जन्म होते ही प्रसाद पाना, हरि कथा सुनना और उनको साथ में नवद्वीप परिक्रमा में आना। इसलिए इनका बचपन का नाम रखे थे संतोष, सतमुच से ये संतोष ही है। हम लोगों ने देखा है ना, वाह वाह रे क्या गंभीर महाराज जी है, क्या महाराज जी क्या गंभीर थे, जैसे श्री युधिष्ठिर महाराज है ना, ऐसे गंभीर श्री महाराज जी, एकदम हर समय बड़े बड़े अवस्था में भी विचलित कभी नहीं होते थे, एकदम धीर स्थिर अवस्था। इसलिए जब उन्होंने कभी नवद्वीप परिक्रमा में पिता माता को साथ में आए, अभी जब पिता माता जाने के लिए तैयारी हुए, शायद 11-12 साल उम्र होगा, अभी बोले संतोष कहा, संतोष कहा, वो मिल नहीं रहा है, वो मिल नहीं रहा है। आकर के प्रभुपाद को बोले ये संतोष मिल नहीं रहा है, बोले कोई बात नहीं, उसको अगर वो रहना चाहते हैं उसको यहीं पर छोड़ करके चले जाओ। तो उन्होंने प्रभुपाद की शरण में इतने कम उम्र में, 11-12 साल उम्र में उन्होंने प्रभुपाद का चरण में उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। आश्रय ग्रहण करते हुए इनका जो जीवन चरित्र है, कभी कभी ये नारद जी का जीवन चरित्र को साथ में ही चरित्र मिलता जुलता रहता है। श्री नारद जी स्वयं कहते हैं व्यास देव को, मैं इतने जल्दी मुझे भक्ति मिली कैसे, इतने बड़े साधु में बना कैसे। बोले बोले एक ही कारण है, मैंने केवल इस जीवन में वैष्णव का मैंने सेवा की, केवल एक ही कारण, और वैष्णव पास में हरि कथा उनको सेवा करने का वजह से। बोले महाराज जी बचपन में जब भक्त लोग बैठते थे, उनके लिए आसन बिछाना, उनके लिए केले का पत्ता देना, नमक नींबू देना है, और उनके लिए सारे सेवा की व्यवस्था करते थे। कहते एक एक वैष्णव की सेवा करके उन्होंने एक एक सिद्धांत को उन्होंने उनसे प्राप्त किया है। और बचपन में कहते पहले तो ऐसे पायखाना थी नहीं है, जो पायखाना करते थे एक पात्र से जमा होता था, कहते उसका सर पर उठा करके ये जाकर के फेंक करके आते थे उनको पायखाना को वैष्णव। इसलिए बचपन में प्रभुपाद को भी उन्होंने जो मटर सूटी होता ना, मटर छिलका उतार उतार करके प्रभुपाद को देते थे, उनके घर को सफाई करते थे। और उसी समय भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट था जिसमें इनको उसमें एडमिट कर दिए थे, उसमें पढ़ाई करते थे। जब दसवीं का बोर्ड का परीक्षा आया, बोर्ड का परीक्षा आया तो अभी उसका रिजल्ट प्रभुपाद के हाथ में आया, पूरा उसी इलाका में जो फर्स्ट आए, जब फर्स्ट आए प्रभुपाद के पास में उनको मार्कशीट आई, तो प्रभुपाद ने उनको बुलाया, बोले संतोष तुमने फेल हो गया, तुमने एग्जाम में तुम फेल हो गए। देखो कितना विश्वास, वो कहते हैं मैं कभी फेल हो ही नहीं सकता। बोले क्यों, बोले जो व्यक्ति जीवन में गुरु वैष्णव का सेवा करते हैं, कभी वो कभी जिंदगी में कभी फेल हो सकता है, वो कभी जिंदगी में फेल ही नहीं हो सकता है। इसलिए उनको ऐसे उनको विश्वास था। और जो वैष्णव की जब सेवा करते थे, जब स्कूल में पढ़ने जाते थे केवल उतना समय ही वो पढ़ते थे, फिर घर में आकर कभी पुस्तक नहीं खोलते थे, क्योंकि मंदिर में आकर के दिन रात वैष्णव का वो सेवा करते थे, वैष्णव का सेवा करते थे हैं। इसलिए प्रभुपाद इनको बड़े प्यार करते थे, बच्चे थे ना, और बच्चों को प्रभुपाद इनको श्लोक सिखाने के लिए, जैसे हमारे श्री परमेश्वरी प्रभु वहां पर बैठो, इसलिए जैसे परमेश्वरी प्रभु अभी बच्चों को श्लोक सिखाते हैं,
वहां पर प्रभुपाद भी बच्चों को श्लोक सिखाने के लिए कहते देखो एक एक टफी दूंगा जो एक एक श्लोक याद करेगा। उस समय बहुत सारे बच्चे थे, अभी बच्चे लोग जो टफी के लोग से श्लोक मुखस्थ करते थे, लेकिन पावन गोसाई महाराज इतने बुद्धिमान थे, उनको डिक्शनरी बन जाती है इतने। एक समय जब यहाँ महाराज कभी आए थे, हमने पूछा महाराज जी आपको कितना श्लोक याद है, महाराज जी बोलते थे अगर कंटिन्यू में 7 दिन तक श्लोक बोलूंगा इतने श्लोक याद है, अगर 7 दिन तक श्लोक बोलूंगा ना तभी ये श्लोक मेरा समाप्त नहीं होगा। मतलब इतने बुद्धिमान महाराज स्वयं ये बात को बोले, इतने तीव्र बुद्धि के महाराज, इतने तीव्र बुद्धि के। इसलिए भक्ति प्रज्ञान कैसे हो स्वामी महाराज, जब उन्होंने कोई लिखते थे कोई श्लोक विषय में हो तब इनको पूछते थे, जब वो श्लोक बोलते बोलते हमारे नारायण गोस्वामी महाराज बोलते थे भक्ति प्रज्ञान कैसे हो स्वामी, पूरा श्लोक नहीं बोलते थे, थोड़ी एक श्लोक को हिंट दे देते थे, लेकिन उसको बाद में मेरे भक्ति प्रताप बामन गोस्वामी महाराज पूरी श्लोक को बोलते थे, लेकिन वो केवल श्लोक का हिंट दे करके लेक्चर वो शुरू कर देते थे। बड़े बुद्धिमान तीव्र बुद्धि के ये थे, इसलिए उन्होंने हर तरह से वैष्णव का, इसी कारण से जब कुछ वैष्णव जेल में चले गए इन्होंने पूरी के पूरी सेवा, उन्होंने रसोई बनाना लेकर के वैष्णव को जा करके खिलाना, फिर उनका जो कोर्ट का जो कागज पत्र लेकर कोर्ट में जाना, उनका जो शरीर है वो वैष्णव सेवा करते करते रगड़ रगड़ करके पूरा वैष्णव सेवा मय उनकी शरीर है, इसलिए उनके हृदय में इतने शास्त्र ग्रंथ क्यों स्फूर्ति प्राप्त हुआ, इतने महान क्यों, कारण है उन्होंने वैष्णव सेवा को ही उन्होंने जीवन का सर्वस्व वैष्णव का सेवा को उन्होंने कर दिया। जब वो नवद्वीप मठ में जब प्रतिष्ठित हुआ वो प्रेस में काम करते थे, जब काम करते थे पहले पता होगा प्रेस में होता था, वो बड़ा लोहा बना इसे गिरता था पड़ता था, हठात काम करते करते इनका जो अंगुल है कैसे फंस गया, उसमें फंस गया तो दब गया तो वो खून बहने लग गया। जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने बात पता चला, उन्होंने आए आकर के उनको अपना गोद में लेकर के हैं, इनको अपना गोद में लेकर के उन्होंने रोने लग गए। वो खुद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी खुद कहते थे, बोले मठ में जितने वैष्णव है एक तराज लो, सभी की सेवा अगर तराजू का एक तरफ में धर दोगे, अगर श्री बामन गोस्वामी महाराज का सेवा को अगर एक तरफ में धरोगे तो इनकी पल्ला भारी पड़ेगा, इनकी पल्ला, ऐसे बोलते थे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, और उनको गोद में लेकर रोने लग गए, उनको गोद में ले गए। अगर गुरुदेव किसी की सेवा चेष्टा को देख करके अगर गुरुदेव स्वयं रोने लग जाए फिर तो आप लोग समझो, अगर जिसको ऊपर गुरु जी की कृपा हो गया बस उसके ऊपर में भगवान की कृपा हो गया। एक समय भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज सब अपना भक्त लोगों को एक प्रश्न किया, मतलब बताओ तो भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या, भक्ति का क्या डेफिनेशन है। सब उन पे खड़े किए, सब लोग ने अन्याभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादि अनावृतम सा पर अनुरक्ति ईश्वरे अनन्य ममता भक्ति, ममता भक्ति की बड़ी डेफिनेशन दिए, खूब बोले। लेकिन जब भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी का बारी आए, बोले तुम बताओ, बोले भक्ति भक्ति तो मैं कुछ नहीं जानता ही नहीं है, भक्ति भक्ति तो हम कुछ नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ अपना गुरुदेव को जानता हूँ, अगर मेरी सेवा चेष्टा को देख करके गुरु जी अगर संतुष्ट हो गए तो मैं समझ जाऊंगा मेरी भक्ति हो गई और ठाकुर जी प्रसन्न हैं। इसको सुन करके भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज गदगद हो गए, प्रेम से वो गदगद हो गए, बोले बात सही है, किंतु हम तो भगवान को जानते नहीं, इसलिए ये कभी कभी कहते थे मैंने अपना गुरु जी की महिमा को गाते हुए कहते थे मैंने महाप्रभु को भी नहीं जानता हूँ, स्वर्ग स्वामी को भी नहीं जानता हूँ, नरतम श्यामानंद को भी नहीं जानता हूँ, विश्वनाथ चंद्र बलदेव विद्याभूषण को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं तो जानता हूँ अपने गुरुदेव को, क्योंकि गुरुदेव ने हमें ये सब बात गुरुदेव ने बताई, महाप्रभु है कृष्ण है राम है हमारे गुरुदेव ने ये सब हमें बात बताई, इसलिए हम तो अपना गुरुदेव को जानते हैं। और एक बहुत बड़ी बात कहते थे गुरु निष्ठा के ऊपर में, कहते थे देखो जिस समय भगवान राम आए मैं किसी ना किसी रूप में उसी समय में जरूर होता होगा, जब कृष्ण आए उस समय भी होता होगा, उस समय में जब महाप्रभु आए उसी समय में भी किसी शरीर में हुआ होता होगा, है जिस समय गोस्वामी लोग आए उस समय भी जरूर होता होगा,
लेकिन मेरे चोटी को पकड़ करके ये माया संसार से किसी ने मेरे को नहीं निकाले। निकाला तो किसने निकाले? मेरे गुरुपाद पद्म श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद मेरे को निकाले। इसलिए अपना गुरु जी की बड़ी महिमा गाते थे। इसलिए इनके अंदर में ठाकुर जी स्वयं कहीं किसी मंदिर में अगर ठाकुर जी के रसोई बनता कोई जल गया ना, चावल फावल जल गया, तो इनको स्वप्न हो जाते। स्वप्न होता था ठाकुर जी को, पूरी में किसी ने रसोई बनाया चावल थोड़ी सी जल गई तो बोले दो बार कौन बनाता है, यही भोग लगा देता हूँ। बनाने के कष्ट उन्होंने भोग लगा दिया, लेकिन महाराज को स्वप्न आया। फिर उन्होंने वहां पर फोन किया, फिर नवद्वीप मठ में ठाकुर जी की सेवा हो रही थी। लेकिन वहां पर जैसे भिक्षा में चावल आता है, जैसे मोटी मोटी चावल सिला चावल आता है, वही बगीचा में जो होता था वही खेती बेटी वही सब दे देते थे। लेकिन इनको स्वप्न आई, बोले तुम देखते हो मैं क्या भोजन करता हूँ, एक बार देखो तो सही मैं क्या खाता हूँ। उन्हें ठाकुर जी स्वप्न दिया। फिर उन्होंने बोले देखो आज से यहाँ पर ठाकुर जी को गोविंद भोग चावल, बंगाल में जो विशेष चावल है गोविंद भोग चावल जो सभी के लिए बनता है, लेकिन ठाकुर जी के लिए अलग है भाजी, ठाकुर जी के लिए अलग 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 थोड़ी सी, महाप्रभु के लिए अलग अलग चीज बना करके भोग लगाना। तभी से मंदिर में महाराज बोले इसका खर्चा मैं दूंगा, इसलिए खर्चा के लिए कोई चिंता मत करो। उनको स्वप्न आती थी जब हमारी भक्त नारायण गोस्वामी महाराज, ब्राह्मण गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जब जगन्नाथपुरी में थे, छोटा गोपीनाथ तो का स्वप्न आया। बोले देखो मेरे जो कपड़ा पहना है ना, मेरे को फटे फूटे कपड़ा पहना दिया, आकर के देख कर मेरे लिए कपड़े लेकर के आओ। तो उन्होंने गए मार्केट में, गए गोपीनाथ जो छोटा गोपीनाथ, उनके लिए कपड़ा खरीद दिया। कपड़ा खरीद करके हमारे महाराज नारायण गोस्वामी महाराज इनको लेकर गए और पुजारी को बोले ये कपड़ा ले जाओ, इसको ठाकुर को पहनाओ, उनका जो पुराना कपड़ा था हमें दे। तो पुजारी तो खुश हो गया, उसको लेकर पहनाए और उनने पुराने कपड़ा दिया। सचमुच से देखा कपड़ा फटा हुआ, इसलिए और किसी मंदिर में बंगाल में गए हुए थे, ठाकुर को सेवा पूजा नहीं हो रहा था। जब दर्शन करके आए फिर उनको स्वप्न आया, बोले तू देख रहे गया मेरे को, मेरे लिए खाट नहीं कपड़ा नहीं है भगवान किसको, ये जैसे माधवेंद्रपुरी को साथ में ठाकुर जी बात करते थे, बोलते थे हमारे महाराज को बोलते थे ठाकुर जी, भगवान किससे अपेक्षा करते हैं, भगवान का अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक, उनकी सेवा पूजा कोई कमी है, कितने वैकुंठ में कितने कहते लक्ष्मी सहस्र सतसम, उनके लिए कोई कमी किस चीज की है। लेकिन किससे लेते हैं, ग्रहण किससे करते हैं, वो अपना भक्तों से ही ग्रहण करते। क्यों? भक्तों को भरे में कृपा करने के लिए। इनकी बहुत सारी घटनाएं, इनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं। और एक आश्चर्य घटना सुनाता हूँ। एक समय ये सिलीगुड़ी की कथा है, एक समय आपको पता होगा बंगाल में सब मांस मछली खाने वाले, अभी पत्नी उनका नाम था भारती दीदी है, उन्होंने महाराज की भक्ति महाराज का चरण आश्रय ग्रहण किया, लेकिन उनका पति मांस मछली खाने वाले लोग हैं, लेकिन ये गुरु जी के महाराज का शरण लेकर के भजन करते हैं। अभी पति हर समय मारता है पीटता है, क्योंकि मांस मछली बनाता नहीं है, बनाती नहीं, मारता है पीटता है, बड़ा कष्ट देता है। एक दिन बड़ी दुखी होकर के बोले मेरा शरीर नहीं रहा, इतना कष्ट कौन सहन करे, इसलिए आज मैं गुरुदेव उस समय बामन गोसाई महाराज सिलीगुड़ी में थे हैं, तब बोले आज मैं गुरु जी को एक बार दर्शन करके फिर आज मैं आत्महत्या करूँ। और गई महाराज को दर्शन करने के लिए, जब दर्शन करने के लिए गई अब जो नृसिंह महाराज वहाँ प्रभु जी गोवर्धन वो उनको सेवा कर रहे थे, बोले मैं एक बार गुरु जी को दर्शन करा है एक बार, बोले थोड़ी सी अपेक्षा करो दर्शन करा दो। हाँ थोड़ी देरी बाद में फिर जब गुरु जी को दर्शन करने के लिए गुरु जी खुद बोल पड़े, ये बोलने से पहले खुद गुरु जी बोल पड़े, बोले पागली आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ये जीवन बड़ा कीमती जीवन ठाकुर ने दिया है, ये जीवन बारंबार नहीं मिलते हैं, आत्महत्या करने से क्या खत्म हो गया, फिर कर्म का फल लेकर के फिर दूसरे जीवन में जाओगे, फिर जन्म होगा, इसी जीवन रहते हुए शरीर को रगड़ते हुए जितना हो सके गुरु वैष्णव सेवा भगवान की सेवा करो, अपना संस्कार को बनाओ, आत्महत्या मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारी पति कुछ दिन बाद में फिर भक्त बन जाएगा, कोई चिंता मत करो, थोड़ी सी उनको प्यार आदर दो, भगवान का प्रसाद खिलाओ। खुद बोल पड़े, ये खुद बोल पड़े, और सचमुच से उनका जो पति कुछ दिन बाद में अपने आप बदल गए, वो अपने आप बदल गए। मैं ये बात को पिछले साल
मैंने जब गोवर्धन मठ में था, वो जो नृसिंह प्रभु का जो मंदिर गोवर्धन के पास वहां पर गया था, मैंने ये बात बोला, जो बोला वो माता जी वहां पर थी, मेरे को पता ही नहीं था वो वहीं पर थी। जब वहीं पर थी मैंने जब ये कथा सुना थी, माता जी मेरे पास सुनाई, बोले महाराज आप किसको बाद में बोल गए थे? बोले मेरे भारत की माता जी, वो अपना बेटी को साथ में, यहाँ भी वही परिक्रमा का है, वो खाली मेरे महाराज में, बोले महाराज में मेरे जीवन में ये घटना हुई। ऐसे उनका अंदर में अंतर्जामित हो, ऐसे उनका अंदर में अंतर्जामित हो, और इनके अंदर में कहते कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़ी आठ हजार सहित वैष्णव। प्रभुपाद कहते हैं कि जो तीन चीज से जो दूर रहते हैं वही वैष्णव है। इनके अंदर में मूर्तिमान रूप में इनके अंदर में दिखाई पड़ता है प्रतिष्ठा। ये आचार्य थे, मंदिर का आचार्य थे, लेकिन आचार्य जो होते हुए भी इनके पास में कोई आएगा ना, बोले तुम नारायण महाराज के पास में जाओ, तो मेरे आचार्य है, तुम नारायण महाराज के पास में जाओ, वो जैसे बोलते हैं वैसे करो, है उनके पास में। जब इनकी जन्मतिथि व्यास पूजा आती थी, व्यास पूजा वो आचार्य जय है, व्यास पूजा आती थी, ये ठीक व्यास पूजा से एक दिन पहले कहीं किसको बोलेंगे नहीं, कहीं गायब हो जाएंगे, वो कहीं गायब हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे पता नहीं पड़ेगा कहाँ चले गए हैं, क्योंकि व्यास पूजा एक दिन शिष्य लोग आते हैं उनको पूजा करते, मतलब प्रतिष्ठा कहते जीव सब छोड़ सकते हैं, बीवी बच्चे दुनिया दारिद्र सब छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा सा धृष्टा सपज रवन में हृदय नटे, इसलिए ये चंडालिनी हाँ सब चीज छोड़ सकते हैं लेकिन ये प्रतिष्ठा को छोड़ना बड़ा कठिन। सारा दुनिया में जितने लड़ाई झगड़ा देखोगे ना, सारी प्रतिष्ठा को लेकर सारे झगड़ा लड़ा, लेकिन इनके हृदय में आचार्य होते हुए भी नहीं। मेरे गुरु भाई लोग को कभी कभी हो जाता है, मंदिर में रहते रहते कभी गुरु भाई लोग कुछ इधर उधर बोल देते थे, कभी कभी शिष्य लोगों को वो हर समय कहते थे मेरे गुरु भाइयों को हर समय आदर जत्न देना, जो मेरे गुरु भाई को आदर जत्न नहीं करते हैं वो मेरे शिष्य नहीं, वो मेरे शिष्य नहीं, मतलब ऐसे कड़क अगर बोलते थे। तू शिष्य लोग आगे बोलते थे ना, आपका गुरु भाई है ना, गुरु भाई होने पर एक दूसरे को बोल देते हैं, एक दूसरे को बोल देते हैं बोलने पर, लेकिन कहते नहीं जो प्रचार करके लेकर के आएगा है बोल तुम उनका ही सेवा करो, उनको पास में रहो, उनको ही सेवा तुम करो, इसलिए प्रतिष्ठा की लव लेस भी हम गुरु महाराज का सेवा भी हमने कभी किया थोड़ी वो उनको साथ में भी रहे हमने, लेकिन प्रतिष्ठा की बिंदु मात्र भी उनके हृदय में बिंदु मात्र भी नहीं थी। प्रतिष्ठा और पैसा, कामिनी, कामिनी मतलब स्त्री, स्त्री का प्रति था ही तो बचपन में ही बाल ब्रह्मचारी है एकदम चंद्रमा जैसे इनकी पूरा निर्मल, इनका चरित्र पूरा निर्मल है। और पैसा वो कभी बैंक में गई नहीं, वो कहते तुमने जो पकेट है ना यही बैंक है, जिस मंदिर में जाते थे जैसे मथुरा में आते थे यहाँ पर भक्त लोग को जो प्रणाम देते थे प्रणाम देते थे, लेकिन महाराज क्या करते थे वो जाते समय ना जितने प्रणाम उनको मिलता था वो जाते समय जो ठाकुर का बक्स होता था वो बक्स में डाल करके चले जाते, किसी पता नहीं चलता था। जब वो उसको खोलते थे हैं, उसको जब खोलते थे फिर उनको दिखता था, जब भीतर छाड़ रखो जाने का, इसलिए वो दिखता था हैं, जब पैसा तो महाराज ने ये पैसा तो सबके सब जो उतना पैसा मिला छोड़, क्योंकि वो तो आचार्य ना मंदिर का सब मठ तो उन्हीं का ही है ना, मठ तो उन्हीं का ही मठ है, इसलिए इनके अंदर में सब उनकी बहुत बहुत सारी इनकी महिमा, जिन्हें इनकी महिमा जो सोच से बाहर है, इसलिए आज इनकी फिर देखो कार्तिक महीना में है, ये कार्तिक महीना में जो सर्वश्रेष्ठ महीना में उन्होंने अपना नित्य लीला उन्होंने प्रवेश किया है, इसलिए आज हम उनके चरण में प्रार्थना करते हैं, जैसे उनके अंदर में सहन शक्ति कहते ना, जो सहे सो रहे, जो नाश है वो नाश है, इसलिए मठवासियों का सज्ज करना एक विशेष गुण है, लेकिन इनके अंदर में मूर्तिमान रूप में इनके अंदर में ऐसे स्थिर गंभीर रहते थे, अद्भुत रूप में इनके अंदर में सहन शक्ति थी, इसलिए उन्होंने जैसे सारा जीवन गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए हैं अपना सहन शक्ति को हैं करते हुए अपना जीवन बिताया। हाँ एक बार मेरे को बोले बोले देखो दो कीर्तन रोज रोज करना, मैंने कहा महाराज कौन सा कीर्तन है, बोले एक है गोपीनाथ मम निवेदन सुना और दूसरा कीर्तन है हमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य लिए, बोले भक्ति विनोद ठाकुर ने ये दो कीर्तन से, क्योंकि हम ठाकुर को प्रार्थना किया कर पता ही नहीं ना, इसलिए एक संपूर्ण रूप में उसने अपना हृदय को खोल करके बद्ध जी का हृदय क्या है
कैसे काम क्रोध लोभ में कैसे भरा पड़ा हुआ, जब इसको पूरा निकाल करके उन्होंने सामने धर दिया ठाकुर को सामने। मेरे को बोले ये कीर्तन रोज आना, ये दोनों कीर्तन करना, इसलिए वो हम सबको फिर आशीर्वाद करे। जैसे हम भी सारा जीवन देखो मठ में रह कर सारा जीवन रह कर भजन करना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। इसलिए इसे प्रार्थना करो जैसे उनके अंदर सहन शक्ति था वो हमें सबको वो सहन शक्ति दे। गुरु वैष्णव की सेवा करते करते अगर हमारे जीवन बीतेगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज परम पवित्र तिथि के अंतिम तिथि पर समागम हुआ है। एक मेरी मरिय दीक्षा गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर वामन गोस्वामी महाराज जी की प्रभाव तिथि, उनके गुरु भ्राता मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर महाराज जी की प्रभाव तिथि एवं भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की प्रभाव तिथि। ये वैष्णव तिथियां शास्त्र कहते हैं जितना महत्वपूर्ण भगवान की तिथियां हैं उतना महत्वपूर्ण वैष्णव तिथि है। परंतु विचार करेंगे वैष्णव तिथि भगवत तिथि से कई अधिक महत्वपूर्ण है। वो क्यों? क्योंकि भगवान का जीवन चक्र से हमें को लाभ नहीं होता, हमें लाभ किससे होता है? वैष्णव जीवन चक्र से। भगवान के जीवन का लाभ किसको है? जो मुक्त महापुरुष हैं उनको तो उनसे लाभ है। जो हमारे जो अनर्थ ग्रस्त जीव है हमारे वहां से कोई संबंध नहीं है, उनसे हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। क्योंकि हम कैसे अनर्थ ग्रस्त से भरे, हमारे हृदय अनर्थ से भरा हुआ है, मलिन चित्त है, तो ऐसे मलिन चित्त से भगवान को दर्शन इत्यादि नहीं हो सकता। यद्यपि जैसे भगवान का दर्शन इन जड़ नेत्र से नहीं कर सकते हैं, इनको भी नहीं कर सकते, इनका भी संभव नहीं, तो भी कृपा जैसे भगवान जब 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 भगवान प्रकट लीला करते हैं, जगत में आते हैं प्रकट लीला के समय, उनकी विशेष कृपा रहती है। उस समय भक्त हो अभक्त हो नास्तिक आस्तिक असुर सब दर्शन करते हैं अपना, उनकी कृपा की विशेष कृपा है। उसी प्रकार से ऐसे नित्य सिद्ध महापुरुष हैं उनको भी हम जन दर्शन नहीं कर सकते, तो भी जो हमारे समक्ष आते हैं उनकी कृपा से उन दर्शन कर पाते हैं, चाहे बाह्य रूप में कर पाए। और विशेष बात क्या है, ये नित्य सिद्ध महापुरुष हैं, ये साधन सिद्ध होते हैं, नित्य सिद्ध होते हैं। नित्य सिद्ध उसे कहते हैं नित्य सिद्धा मुकुंदवत आत्मा गुणम कृष्णे प्रेमण प्रमणम मता नित्यानंद गुणाचरवे नित्य सिद्धा मुकुंदवत। मुकुंदवत मुकुंद की भांति होते हैं, जब मुकुंद माया से परे रहते हैं, त्रिगुण से परे रहते हैं, उसी प्रकार से ऐसे नित्य सिद्ध महापुरुष भी माया से परे रहते हैं। इनका कोई कर्तव्य नहीं होता, जगत में कोई कर्तव्य नहीं, तो जगत में आते हैं आकर केवल हमारे जैसे बद्धजीव को शिक्षा प्रदान करने के लिए सामान्य साधक की भांति, ये महाजन की बातें बताई हमें, ये सामान्य साधक की भांति हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। अर्थात यूं कहें वैष्णव जीवंत उपदेश है, वैष्णव उपदेश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
सुननी पड़ेगी। वो जीवनी उपदेश है, प्रतिक्रिया उपदेश है। जैसे साक्षात वैराग्य मूर्ति कौन है? बाबा जी महाराज। तो वैराग्य देखना है तो किसको देखो? उनको देखो। बोले कहा वैराग्य है? साक्षात वैराग्य के साक्षात उदाहरण स्वरूप है। तो गुरु जो शुद्ध वैष्णव होता है उसको उपदेश की जरूरत ही नहीं है, वो जो कुछ करता है वो एक उपदेश होता है। तो ऐसे जो महापुरुष जगत में आते हैं, इनका कोई कर्तव्य नहीं है, कोई साधन की जरूरत नहीं है, ये नित्य सिद्ध है। तो भी आकर के सामान्य साधन से आरंभ कर किस प्रकार से हमें भजन साधन करना चाहिए, भजन में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, ये प्रत्येक बताते हैं हमको। कैसी बाधा आए तो हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे उन्हें दिया महाराज ने कहा, जब मठ में आए तो छोटे बच्चे थे। अब बच्चा मठ में आता है तो सीधी बात है उन्हें सेवा करनी पड़ती, छोटे बच्चे थे। वैष्णव को आसन लगाना, पत्तल लगाना, उनको क्या नाम है नींबू देना और वो नमक देना, क्योंकि पहले ये था दीक्षित व्यक्ति दीक्षित को प्रवेश भी नहीं कर सकता था, ये नियम था। हमारे सामने भी हमने ये देखा, अधिक्षित अंदर घुसता ही नहीं था, सुने ही नहीं देते एक आसन में बैठने भी नहीं देते था। जो दीक्षा नहीं, जब नया नया दीक्षा सुने नहीं देते थे, दीक्षा नहीं हुई थी तो प्रभु जी मुझे आटा गुदवाते थे, मंदिर बाहर रह गए उसमें से बाहर रह करके आटा गुदवाते थे, अंदर नहीं गुदवाते थे। ऐसा कठोर नियम था। तो इनकी सेवा क्या होती, आसन लगाना, पत्ते लगाना, हमारा भी होता था। जब मठ में आए थे हम, कोई वैष्णव अपनी थाली लेकर घर में लेकर नहीं जाएगा, सब थाली वैष्णव की एक जगह में रहती, एक जगह में रखी रहती थी। पर हमें पता होना चाहिए था कौन थाली किसकी, किस वैष्णव की है, आसन लगा करके थाला धो करके और कौन वैष्णव कहाँ बैठता है, स्थान निर्दिष्ट हुआ करते थे। यदि यहाँ से वहां हो गया, आगे पीछे हो गया, दे गाली। अब तो वैष्णव स्वयं थाली साफ करते हैं, थाली लगाते, थाली खाने पड़ता है। बलिए होता था, हम स्वयं देखा था, स्वयं बस ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तो याद है कौन थाली की स्थिति, उसका शेप क्या था, जो लगाते लगाते। तो इनकी सेवा थी, इसी क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, सेवा। सेवा एक ऐसी वस्तु है जो सबसे अधिक चित्त को शुद्ध करती है। उदाहरण स्वरूप यदि हम नाम करते हैं, चित्त चंचल होता है। एक व्यक्ति रसोई बना रहा है, अब रसोई खीर बना रहा है, क्या चित्त चंचल हो सकता है? क्या चित्त चंचल हम लोग ध्यान क्या है उसका, खीर जल ना जाए, जलेगी तो गालियां पड़ेंगी, एक लीटर दूध उमड़ रहा है, ध्यान कहां पर उसका कोई। तो सेवा से जितनी जल्दी महाजी सुना मैंने, हमारी एनर्जी जहां लगती है ना, ऑटोमेटिक प्रीति वहां चले जाती है, चाहे जड़ जगत में चले जाए, चाहे वस्तु जगत में चले जाए। इसलिए सेवा एक ऐसी वस्तु है। और बोले कौन सी सेवा करें प्रभु जी, मैंने आज तक जीवन में जो अनुभव किया, मैंने दो लोग देखे हैं, एक सेवा प्रायण देखे हैं, एक विद्वान व्यक्ति को देखा, जो विद्वान थे सेवा में बहुत रुचि नहीं थी। तो मैंने जो देव अनुभव किया, जितना मैंने कल्याण, जितना मतलब मैंने एक सेवा प्रायण को देखा, विद्वान तो कई आए कई गए मेरे सामने, कई आए और कई गए, परंतु सेवा प्रायण जो लोग रहे मैंने उनका, श्री महाजी याद होगा, इस मठ में एक प्रभु जी रहते थे कैलाश पर, कितने सेवा प्रायण, पैर फूस के उनको पैर मोटे मोटे बजाते थे, घसीट घसीट के आके आते थे, जब स्वामी का कोई सेवा नहीं कर पाया, मेरे खाने में कोई अधिकार नहीं, इसलिए और पूरा ये मंदिर को पूरा पोछा लगाई गई, इतने देख कर आश्चर्य, सारे चावलों को बीनते थे, इतने सारा दिन सेवा करते थे, और आरती किसको लेने नहीं देंगे, ठाकुर जो बर्तन जो मलते हैं किसको मलने नहीं देंगे। उमा दीदी ने बर्तन को हाथ लगा दी, मथुरा में उमा दीदी बर्तन में साफ किया करते थे, तो यहाँ आए तो बर्तन में हाथ लगा दिया, जो गालियां बची उन्होंने, जो गालियां बची उन्होंने, मेरी सेवा तुलसी सेवा और ये केशवा बची होती, कार्तिक महीना में शरीर छोड़े एकादशी का दिन कार्तिक महीना में, और प्रसाद पाए, यहाँ प्रसाद पाए, प्रसाद पाकर और वहीं पर जाकर सोए, प्रसाद पाकर जाकर सोए, बाद शरीर छोड़ गया। फिर बाबा जी महाराज जाकर के बोले, कैलाश प्रभु क्या चाहिए,
जब प्यार मिला ना पूरा शरीर हिल गया, तो ये शरीर हिल रहा है फिर देखा ये शरीर कार्तिक महीना में एक सेवा जो प्राण पंक्ति करे ना कही देखे हमारे एक से प्रेम मतलब पागल से देखे ना सागर परंतु शिवा शिवा मानेंगे नहीं, रोटियां बनाएंगे वो परोठे खिलाएंगे नहीं, इसको खिलाएंगे उसको खिलाएंगे इसको खिलाएंगे अमल खाओ 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 अरे महाराज खाओ 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 लगे रहेंगे उसके शरीर कितना बड़े छोड़ा जिन्हें पागल समझते थे। एक से पुंडरिक प्रभु कितने ऐसे वैष्णव तो मैंने ये देखा कि ऐसे जो व्यक्ति रहते हैं ना बोले क्यों उनके उनके जिंदा रहती है और जो सेवा नहीं करते मैं दिखाई जो अनुभव क्या शिव का बड़ा महत्व होता है। और बोले क्यों मेरे किसी ने पूछा प्रभु जी एक व्यक्ति गुरु सेवा करता है एक व्यक्ति बर्तन मांजता है तो श्रेष्ठ कौन है? सोचो गुरु सेवा करता है तो जो गुरु प्रसन्न हो सकता है उसके उसके विद्वेषी भी हो जाए। ये व्यक्ति बर्तन मांज रहा है कोई से विदेशी हो सकता है क्या? बोले क्यों मुझे बर्तन में आते हैं कुछ बर्तनों में सामान्य एक सेवक से लेकर के भगवान से प्रसाद पाया कभी नहीं सोचना मैं गुरु स्पर्श कर पा रहा हूँ बर्तन में आता हूँ झाड़ू लगा रहा हूँ ये जो सेवा है ये सही सेवा क्या है ये सार्वजनिक सेवा है। एक सामान्य ब्रह्मचर्य आरम्भ करके भगवान की सेवा हो जाती है कभी छोटा बड़ा नहीं बनना चाहिए। अब सचमुच महाराज याद होगा हमारे मठ में एक महाराज जी थे पद्मनाभ महाराज जी दक्षिण भारत थे तो एक बार उन्होंने परम गुरु महाराज जी को लहर गुरु थे पत्र लिखा परम गुरु महाराज जी को प्रज्ञा के सूर्य महाराज जी को मेरा मन बड़ा चंचल हो रहा था। उन्होंने उत्तर दिया पत्र लिखा जो सेवा कोई ना कर रहा हो वो सेवा करो। उन्होंने सब देखा सब सेवा तो हो रही है लेट से चलते जाते अपना शुरू कर दिया। ये प्रत्यक्ष से देखा गया है सेवा की अपनी एक महिमा है समझे हम देख जो जो सेवा करेगा उसकी मठ के प्रति अपना तो होगा। जो सही उदाहरण स्वरूप बता दो ना एक व्यक्ति उसी सेवा बर्तन मांजने की है चला जाए एक व्यक्ति बर्तन मांजने की सेवा है। एक दिन रसोई में गया उसने देखा कि एक भगोने में कुछ राख लगी हुई है। देखिए देखते ही उस व्यक्ति कैसे लगेगा उस मन खा हो जाएगा। एक व्यक्ति अंदर घुसा जो बर्तन की मांजता ही नहीं है उसके सामने बर्तन में चाहे कुछ भी लगा हो कष्ट होगा क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सेवा के प्रति निष्ठा है उसकी प्रीति हो चुकी सेवा करते करते। जो व्यक्ति झाड़ू पोछा लगा रहा है देख रहा है जो गौर 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 झाड़ू लगा रहा है कोई अंदर आकर बिगड़ उनको डांटता है उनको क्यों डांटते भाई हम तो नहीं डांटते हैं क्यों डांटता है वो साफ करता है उसको। अब कुछ जगह से प्रीति हो चुकी है विपरीत जगह कुछ जगह प्रीति हो चुकी है उसको कुछ बुरा लगता है कुछ गंदा कर देता हमें दोस्त नहीं पड़ता बंदर डरते नहीं करते ना साइड से निकल जाएंगे साफ करते हैं क्या नहीं करते देखो बराबर। तो सेवा की बड़ी महिमा है सेवा से जिंदगी चलती क्योंकि भक्ति कोई करने की वस्तु नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभो न श्रवण चित सुते को रहे होते भक्ति करने की वस्तु नहीं भक्ति होने की वस्तु है। भक्ति करने की वस्तु नहीं है नाम करने की वस्तु नहीं है नाम होता है भक्ति होती है परंतु कब होगी? अभी हम सेवा करते हैं अभी हम भक्ति कर रहे हैं नाम कर रहे हैं इसे नहीं हो रहा है। जब तक कर रहे हैं शुद्ध नहीं है जब शुद्ध होगा अपने आप स्वाभाविक रूप होना शुरू हो जाता है। परंतु अभी क्यों नहीं हो रहा है? हमारे हृदय में क्या बैठे हुए मां समान बैठे हुए अनर्थ बैठे हुए सबसे बड़ा अनर्थ महाराज ने बताया वह है प्रतिष्ठा की आशा है। वो चाहे झाड़ू से आरंभ करके हो सकता है कि पुजारी तक सबके अंदर एक कामना रहती है और जब तक ये सम्मान की कामना रहती है ना तब तक जो सेवा करने पर भी सेवा का अपना हमको नहीं मिलता। बोले क्यों उद्देश्य क्या है सेवा तो सेवा का उद्देश्य क्या है? लोग मुझे कहें वाह पुजारी ने बड़ा श्रृंगार किया और लोग तो आए क्लिक क्लिक किया किसने कहा नहीं प्रभु जी बड़ा श्रृंगार किया कहा नहीं वो आशा लगाए बैठा था कुछ कहेंगे समूह फिर पूछता प्रभु जी श्रृंगार कैसा हुआ
अर्जुन ने पूछा था कि समझ अनर्थ का मूल क्या है, भगवान ने क्या कहा, काम एष, काम मतलब कामना, कोई कामना क्यों ना हो ये सब का मूल है। ये कामना एक क्रोध को जन्म देती है, काम ही लोभ को जन्म देता है, मोह को जन्म देता है, मद को जन्म देता है, ईर्ष्या को जन्म देता है। तो जब तक हमारे हृदय में कामना रहती है तब तक ना गुरु सेवा कर पाएंगे, ना वैष्णव सेवा कर पाएंगे, ना भगवत सेवा कर पाएंगे। इसलिए वैष्णव हमें सेवा की शिक्षा प्रदान करते हो, प्रभु गुरु महाराज जी ने कैसे कैसे सेवा करते थे, वैष्णव में कपड़े धो देना है, उनके उनका पत्र लगाना, और सभी बड़े विषय पर क्या सेवा थी, लैट्रिन सिर पर उठाकर धोना, तुम कहे ना तुम लैट्रिन साफ करो, कहे लैट्रिन साफ कर, अभी अभी बिगड़ जाओ, मथुरा में पहले मथुरा में हमारा ऐसे होता था, पहले टैंक नहीं होते थे, परिक्रमा काटने से पहले हम टैंक साफ करने पड़ते थे, हमारे प्रेमानंद प्रभु जी, हमारे नवीन प्रभु जी, माधव महाराज जी, जिद महाराज जी, कालाचंद प्रभु, ये लोग जो टैंक लैट्रिन उठाकर भी बाहर फेंकनी पड़ती थी, आम तक पटक खाद डाला है ना वहाँ फेंकने पड़ते थे, क्योंकि लोग आएंगे कल लैट्रिन कहाँ करेंगे, ऐसे पहले करना पड़ता था। उस समय भी लैट्रिन नहीं होती थी, तो जब लोग गड्ढा करके उसमें एक कलश डाल देते थे डिब्बा, उसमें लैट्रिन करते, उसको उठा करके दूर फेंकना पड़ता था, ये सेवा की। और है कौन, वो कोई साधक है क्या, नित्य सिद्ध कैसे है, आपने क्या बोलेंगे, आपने कैसे अनुमान लगाया, लक्षणों से। साक्षात राधा रानी जिनसे मैं कह रही है, अरे ये मुझे जले हुए चावल भोग लगा रहे, क्या ऐसे व्यक्ति साधन सिद्ध हो सकता है, क्या संभव हो सकता है, जी राधा स्वयं मांग रही है मुझे चावल जले हुए भोग लगा रहे, ठीक भोग लगाओ, नवद्वीप में थे, सॉरी पूरी में मठ है ना, निंदाजन कोटिया मठ, तो वहां बगीचा है, गुरुजी ने नियम बना रखा था, रोज ठाकुर जी को माला बना के माला पहना बना करके माला पहनानी है। तो एक दिन अब वहां तो गेस्ट हाउस है, हर तक गेस्ट हाउस से चलता है, दो तीन बसें आ गई, और ब्रह्मचारी दो तीन रहते हैं, शुरू से जल रहते थे, ये तो यही भरे रहते हैं वृंदावन साइड में, वृंदावन मथुरा यहाँ था, तो वहाँ होटल में मछलीगंज, यहाँ मछलीगंज कहाँ जाएंगे बेचारे है। तो अब वो यात्री आ गए, अब वो उनके देख रेख करने में, तान उनको संभालने में दिन चला गया, माला लगाए, माला बनाई नहीं, गुरु जी के प्रचार में थे, वहां सफल दे दिया। देखो तुम्हारे शिष्यों को यात्री की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है, मेरे माल मुझे माला ही नहीं पहनाई, गुरु जी की विशेषता की उस चिट्ठी को डायरी में लिख लिया, बाद में पहुंचे उधर उनसे पूछा इस तरह को तुमने क्या माला पहनाई थी, तो उसने देखा रजिस्टर में उस यात्री आए थे, गुरुदेव यात्री बस आ गए थे, समय नहीं मिला, कुछ समय में यात्री आए थे। अच्छा तुम ये विश्वास है कि यात्री आएंगे मठ भरेगा तुम्हें किराया देंगे तो मठ चलेगा, ये विश्वास भगवान तुम्हें विश्वास नहीं है, रक्षित विश्वास तो भगवान रक्षा पालन करने वाले विश्वास नहीं। तो ऐसे जो भगवान से मांग रहे हैं वो प्रोटो को बिना स्वयं कह रहे, मेरे कपड़े फटे हुए, राधिका जी कह रहे कपड़े दे दो, मानेंगे कि कोई साधन सिद्ध है, संभव ही नहीं। ऐसे निश्चित नीति सिद्ध महापुरुष होकर भी किन्हीं निम्न सेवा कर रहे हैं। नवद्वीप में एक बार नवद्वीप में परिक्रमा चल रही थी ठाकुर जी के ड्रेस के लिए, ठाकुर जी का ड्रेस के लिए बामन गोस्वामी महाराज सोच रहे ठाकुर का ड्रेस और लिखते हैं, लेकिन करके उसमें तो 5,700 सदे बूढ़ी माता जी पैसा आए आ करके महाराज को 5,000 बंद करके 5,000 रुपया महाराज को हाथ में पकड़ा करके बूढ़ी माता जी गई, महाराज सबको हाथ में प्रसाद देते थे, आपके प्रसाद देते थे, जब वो बूढ़ी माता हटा के नीचे कर उनके सेवक को मिले, जब उनको तो प्रसाद दे गए तो वो वही आकर कहीं गायब हो गए, महाराज खुद ही बोल रहे वही जाकर कहीं गायब हो गए, इसलिए स्वयं राधा रानी आकर पैसा दे गई। कलकत्ता मठ में मठ है ना हल्दर बगान में मठ बन रहा था, पैसे का अभाव पड़ेगा, बड़ी चिंता फूल पैसे क्या होगा, क्या इतने कोई व्यक्ति आया बोले महाराज जी पैसे ले लिए, पुजारी निजे के पुजारी कहने के लिए प्रसाद देना, शिरडी से गायब हो गए, शिरडी से गायब हो गए। तो ये जो लक्ष्य तो बताया बताया जाए तो ऐसे तो क्या दिखा रहे, यही है। तो वैसे जो हम तिथि क्यों बनाते हैं,
जो शून्य रो अपने बड़पन भागने के लिए नहीं, इन्हें शिक्षाओं को लेकर हम जीवन में उतार रहे हैं, इसलिए शिक्षाएं इसलिए तिथियां बनाई जाती है। आज जैसे महाराज ने कहा उनकी विशेषता क्या थी, गंभीर से गंभीर बच्चों से मिल जाए ना, बच्चों मिल जाए बच्चे मथुरा में आते थे, आश्चर्य लगता था ऊपर खाट पे गुरुदेव सो रहे हैं, मुझे ब्रह्मचारी बैठकर गप मार रहे हैं, हाँ हाँ यही कर रहे हैं, बिल्कुल ए चुप बिल्कुल नहीं, बच्चों मिल जाते थे क्या बात करते थे, भूत प्रेत की बात है। लगता नहीं था कि ये वही महाराज है, जब बैठते हैं गति बैठते हैं तो लगता है बिल्कुल भूत प्रेत की बात है, और बच्चे भी उनसे हिंद मिल जाते थे, वो ग्रस्त भक्त महाराज जी, और बोले ना वो भूत प्रेत की बात बोले, भूत की बात बोले, और हुआ भी ऐसा, ऐसे सुनो ना स्वयं भूत ये बोल रहा है, भूतनी बोल रही है मुझे उनके चरणा मिल दो, रामानुजाचार्य सुनते रामानुजाचार्य जब वो राजा की लड़की को भूतनी ने पकड़ लिया, यादव आचार्य को ले गए, भूतनी बोली ये कुछ नहीं होगा इससे, ये क्या कर लेगा, ये तो पूर्व जन्म में गोसाप था, गोसाप ब्राह्मण को उचित ब्राह्मण जन्म ले लिया, वो जो रामायण वो है ना लक्ष्मण देशी का ना, उसको बुलाओ बच्चा, उसे चला मिलता मेरे को गुरुदेव कैसे भी हो, ये तो हमारे प्रत्यक्ष की बात है, आता ना मोटा प्रश्न देखा है ना, नहीं बच्चों देखा मोटा वाला आता ना वो जो तुम भटूरे खिलाड़ बना के उसको भूत ने पकड़ लिया, बाहर घूमता था फालतू नहीं होना चाहिए, 12 बजे का समय था, गर्मी का समय था, किसी घाट में स्नान किया तो बस उठ ही नहीं पाया, उठा सब क्या दबा दिया, और ऊपर बाहर रहता कि मंदिर में रहता, तो वापस मंदिर में आया तो देखता अंदर बड़ी सुंदरी लड़की बैठी, द्वार बंद है, बड़ी सुंदरी लड़की बैठी, वो तो सुबह बुद्धू जो है ना बड़े बुद्धू से चला, मुझे पूछा तुम कहाँ जाए हो, तो ये नहीं सोचता कि द्वार बंद है लड़के तो कहाँ जा रहे, तुम कौन हो, बोली मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, पर ऐसे मुग्ध हो गया, ऐसा मुग्ध हो गया उसके प्रति, अब रोज रात को आती थी, कई दिन चले, अब मतलब कि दो दिन महीने हो गए, अब उसने बता रखा किसी कहना नहीं, परंतु कहेगा चले जाऊंगे मैं, अब ऐसे मुग्ध हो गया उसके प्रति, वो बहुत लड़की हो गया, उसकी बहन एक दिन उसे मिलने आई, उसने देखा ये हाव भाव बदल गया, हाव भाव अब पहले मुझे मिलना आता था, मुझे मिलना आना बंद कर दिया, हाव भाव बदल गया उसके, और रात को किस बात करता कमरे में द्वार, अगले दिन जैसे उसे मना किया था जी, बताए अगले दिन क्या हो गया, अभी क्या दिखाया था, परिस्वरूप अब दिखाई दिया विक्रम बस, वो तो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, मेरे पास आई उसकी स्थिति रोज मैं गया, तो मैं सब शिव की लक्षण है ना, लक्षण है उसके, जब भूत पड़ रहे लक्षण है, आप तो पलके नहीं पड़ेंगे, ध्यान रखना भाई पलके नहीं पड़ेंगे, जब पे गए वो पलके जो भूत घुस जाते हैं उसमें पलके नहीं घुस गए, बिल्कुल जड़ की माटी बिल्कुल चेहरा बिल्कुल पत्थर पत्थर की बात, मुझे ऐसा गिलजिंग है ना, गिलजिंग मुझे प्रत्यक्ष देखा मैंने, तो मैं समझ गया लक्ष्य हूँ, बचपन में दिखाई नहीं मामला गड़बड़ है, मैं तो घर से बाहर निकाया, मैंने कहा कि मंदिर बंदा मिला मुझे, तो मैंने बाल मंदिर पढ़ करके पानी डाला उसके ऊपर, केस खड़े हो गए उसके, केस है तो एक बार शायद दिन के समय 3-4, 2-3 बजे कि स्त्री को लाए थे, कोई स्त्री को भूत से पकड़ा, अपन गुरु महाराज जी घर के अंदर थे सो रहे थे, अब क्या करे तो गुरु जी ने उनको महाराज ने रखा, स्नान स्नान करके आए और गायत्री मंत्र उनको छिड़का तो वो भूत भाग गया, और ठीक हो गया, मेरे सुन में याद आ गया, मैं भी ऐसे करूँ तो किया, तो
उसको ठीक हो गया वो, तो फिर मेरे पूछा क्या बात, तो मैंने उससे कहा था देखो फिर आपके फिर आएंगे, डरना नहीं, तो ये पूछना तुम्हें क्या चाहिए, मुझे क्यों पकड़ा क्यों है पूछना, रात फिर आए उसने पूछा, मगर मेरे डरना डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ और चीज दिया था, तो आई वो आस पास में नहीं दूरी खड़ी रही, मतलब तो पूछना क्या चाहिए मेरे, तो बोली मैं जब तुम तो स्नान कर रहे थे मैं समझ गए थे तेरा गुरु कोई सिद्ध महापुरुष है, मेरा उद्धार तेरे माध्यम से हो सकता है, मैं इसलिए तो मैंने पकड़ा, मारना होता था तो मैं तुम्हें मार दिया होता, तू मुझे अपने गुरु का चरण मिला, तो फिर मिला उससे क्या बात है उसने चरण मांगा, तो फिर उनका बंगाल में, तो फिर वो गोपीनाथ मठ में पूरी साक्षात खड़ा हूँ, जो पहनते वो खड़ा हूँ, मैंने कहा आज फिर आएगी, उसे पूछना कि गुरुदेव तो नहीं है, खड़ा हूँ वो धोखे दे दे तो फिर आई वो, उसने कहा चेष्टा करो ये तो उसे काम चल जाएगा, सौभाग्य से बाबा जी महाराज है ना, बाबा जी महाराज उनके पास चरण में खड़ा है, सौभाग्य बात चरणाम को लेकर, तो उसने कहा था कि केशी घाट में एक पीतल के ताम के पात्र में शाम से पूरा अंधकार माना और रखकर पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना, और फिर अगले जाए ना वो आप कुछ, और तो वहाँ लोग रहने लगे ना, पहले सुनसान था वो एरिया, वो आगे सुनसान में होगा, तो फिर मैं उसके सामने गया रखकर वापस आ गए, मैंने कहा फिर आज फिर आएगी, निश्चित आएगी अवश्य आएगी, मैं जानता हूँ आएगी, मुझे लग रहा है, तो उसे तीन प्रश्न पूछना ये मेरे लिए दो से और के लिए उसने देखने क्या होगा, तो फिर वो अगले आ गई बोले कि अब मैं इसलिए आया, मेरा पीकर मेरा उधार हो जाएगा, पिया नहीं मैंने कि मैं अन्याय बनने बना पाऊँ, तीन मेरे गुरु भाई ने तीन प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न उत्तर दे उन्हें दो दिए, मेरे पर ठीक बैठा उत्तर, तीनों पर ठीक उत्तर बैठे, परफेक्ट उत्तर दिया, तो ये देखे भूत प्रेत भी, तो उसने कहा था कि मैं हाँ, तो उसने कहा था प्रेम, मैंने कहा पूछना इतिहास क्या था उसका, तो बोले दिल्ली के लड़के थे मुझे प्रेम करते थे, उसमें धोखा दे दिया, आठ दस साल पहले मैं यहाँ पर कैसी घाट में आई, मैंने आत्महत्या कर ली, तो वो प्रतीक्षा कर रही थी, हम दस का दल है, उनमें धोखा उधार पहले हो चुका है, एक मैं निष्ठ उतार हुआ ऐसा विचार, तो ये तो ये देखा जा रहा है, तो मैं प्रत्यक्ष अनुभव किया, तो ऐसे महापुरुष इतने सिद्ध महापुरुष होकर भी निम्न सेवा कर रहे हैं, क्यों उपदेश प्रदान कर रहे हैं, सेवा है उनकी विशेष व्याख्या थी, जे रोहे से रोहे बोलते थे, हमें पान खा के हो फू दिए दिए खाई, फू किसको मारते हैं, दूध को मारते हैं, गर्म दूध को, और पानसा कैसा होता है, ठंडा, तो फू मतलब क्या, पानसा ऑलरेडी ठंडा है उसको फू मतलब क्या हो गया, अर्थात मैं ऑलरेडी ना सहन शक्ति हूँ, सहन शिशिर हूँ, तो भी इतना सावधान रहता हूँ, इतना सावधान रहता हूँ किसी में से कोई ऐसे मुझसे किसी को कोई कष्ट ना पहुंच जाए, और देखा गया है सहनशीलता, जैसे हमारे जो पहला श्लोक क्या है उसमें क्या बताया गया, विषहित धीर शर भक्ति में सहिष्णुता गुण की बड़ी विशेषता है, यदि हमें सहिष्णुता गुण आ जाता है, भाव का पहला लक्षण क्या है, शांति, क्षमा गुण, सहन शक्ति कौन करेगा, सहन कौन करेगा, जब क्षमा गुण आ जाता है वो सहन कर सकता है, जब तक हमें ये क्षमा गुण नहीं आएगा, सहन शक्ति नहीं आएगी, तब तक हम अपराध करते रहेंगे, और जब तक अपराध करते रहेंगे चित्त मलिन होता रहेगा, मलिन चित्त होगा वहां कभी क्या भगवान की स्फूर्ति नाम की स्फूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए हम इनसे आज स्वयं हो गया, हम उसके गुरुदेव से वैष्णव प्रार्थना करते हैं कि जैसे सहन शक्ति उनमें थी वो शक्ति एक देश मात्र प्राप्त हो जाए, जिससे कि हमारे गुरु वैष्णव विश्वेष कम हो जाए, मतलब कि मैं एक चीज मांगता हूँ बस, भक्ति हो ना हो इस जन्म कम से गुरु वैष्णव में विश्वेष ना हो जाए, भक्ति में चिंता नहीं करता, अब मन मांगी भी नहीं आता और इच्छा भी नहीं, इच्छा क्यों नहीं है, जानता हूँ कहाँ भक्ति की इच्छा करूंगा, वो ना हो चांस नहीं पकड़ना चाहता, कृपा।
ओम ज्ञान दिमिरंदस्य ज्ञानं सदाक्या चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च कृष्णनाम पावनेभ्यो नमो नमः पंचतत्वात्म कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तवतारं भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यशुक्तस्य कामादिकरं मध्ये कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना सिन्धे मत्ते चरणारविन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। सर्वप्रथम परमराजतम गुरुदेव नित्य लीला प्रभु स्वामी विष्णु पाद अष्टदर्श श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में तनु स्मृति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रभु श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रभु श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत विक्रम गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में तनु स्मृति ज्ञापन करता हूँ। नित्य लीला प्रभु श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में तनु स्मृति ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपा गुरुवर के चरण कमलों में तनु स्मृति ज्ञापन करता हूँ। उपस्थित महाराज प्रभु रामचंद्र प्रभु कृष्ण प्रभु संजय प्रभु समस्त वैष्णव के चरणों में यथोचित धन स्मृति ज्ञापन करता हूँ। आज हम लोग हमारे तीन गुरुवर के तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में उनकी गुण महिमा को श्रवण करने के उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हैं। तीन भक्ति वेदांत आज तिरुभाव तिथि हम एक साथ मना रहे हैं। अभी कार्तिक मास के अंतर्गत अमावस्या तिथि को दीपावली का उत्सव हमने मनाया। हम लोगों ने गुरु वर्ग से गुरु पाद पद्म से और ब्रज के जो भावना